अगर अचानक से कोई भी गेस्ट आ जाए और घर में कोई भी नाश्ता अवेलेबल ना हो, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी, जो कि आप इसे 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं। और कोई भी गेस्ट आ जाए तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इस रेसिपी को बना के आप गेस्ट को इंजॉय करवा सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं उबला हुआ ले ली हूँ 4 से 5 मीडियम साइज़ का आलू, और सबसे पहले मैं यहाँ पे आलू को मैश कर ले रही हूँ। अगर आपके पास पोटैटो मैंसर है तो आप इससे मैश कर ले, या फिर हैंड की मदद से भी मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैश कर ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे कद्दूकस कर ले ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे, क्योंकि इसमें गुठलियाँ रहने पे ना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से इसे मैश कर ली हूँ और मैश हो गया है, तो मैं इस मैंसर को हटा दे रही हूँ साइड में और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक ऐड करूँगी, जितना आप खाना पसंद करते हैं कम या ज़्यादा। और साथ में इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर ऐड करूंगी चिली फ्लेक्स, और 1 छोटी बाउल के बराबर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर लीफ। और चिली फ्लेक्स मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दी हूँ। ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसमें जो भी गुठलियाँ हाथ में आए उसे अच्छे से मैश कर देना है, क्योंकि मैं इसे कद्दूकस नहीं की थी, क्योंकि कद्दूकस करने में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें गुठलियाँ रह गया है, तो मैं अच्छे से इसे मिक्स कर ली हूँ और ये मिक्स भी हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कॉर्न स्टार्च। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले ले, अगर कॉर्नफ्लोर भी नहीं है तो आप थोड़ा सा मैदा ऐड कर ले, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनके रेडी होता है, लेकिन कॉर्न स्टार्च से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनके रेडी होता है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉर्न स्टार्च ऐड कर रही हूँ। और कॉर्न स्टार्च ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर ले रही हूँ। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना है, क्योंकि मैं इसमें नमक ऐड की हूँ, नमक ऐड करने की वजह से ये पानी छोड़ देगा, इसकी वजह से मैं यहाँ पे पानी नहीं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हल्के हाथ से थोड़ा सा इसे मिक्स करने का, इसे हार्डली प्रेस करके तो गूंथ लेना है, इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। अगर थोड़ा सा टाइट लगे तो आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ के इसे ढक के 5 से 7 मिनट और इसे सेट करने के लिए रख दे, सॉफ्ट हो जाता है ये डो। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए ही रखी थी, क्योंकि ज़्यादा ये टाइट नहीं हुआ था और ये अच्छे से सेट हो गया, ये देखिए। तो मैं इसे 2 टुकड़े में बांटती हूँ और इसका अच्छा सा एक बॉल बना लूँगी, और ये लीजिए ये बॉल बन के रेडी हो गया। तो मैं इसे थोड़ा सा हैंड से प्रेस कर दे रही हूँ, और प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे कॉर्न स्टार्च थोड़ा ऊपर और नीचे से लगा ले रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा सा मैदा लगा के भी इसे अच्छे से बेलें, या फिर आटा भी लगा के आप बेल सकते हैं। तो यहाँ पे चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा फट जाता है, इसलिए मैं हल्के हाथ से इसे बेल ली हूँ। बेलने के बाद थोड़ा सा फटा फटा दिख रहा था, तो मैं चारों तरफ से कटिंग कर दूंगी ताकि इसका जो शेप बने वो बहुत ही अच्छा लगे देखने में। तो मैं यहाँ पे चारों तरफ से कटिंग कर ली हूँ। कटिंग करने के बाद मैं इसे छोटे छोटे पीसेज में कटिंग कर लूँगी, आप अपने हिसाब से कटिंग कर ले। आपको अगर कोई और शेप देना है तो आप किसी और शेप में भी कटिंग कर सकते हैं, या फिर इसे इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में कट करके इसे फ्राई करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। काफ़ी यमी लगता है ये खाने में और बहुत ही आसान है, आप इसे बना के आराम से स्टोर भी कर सकते हैं, जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। आप इसे किसी भी एयर टाइट डब्बे में पैक कर दे और इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से सारे जो भी डो तैयार करी थी उसको अच्छे से बेलने के बाद इस तरीके से कटिंग कर ले रही हूँ, और ये लीजिए सारा कटिंग करके रेडी कर ली हूँ और ये सारा मैं प्लेट में रख ले रही हूँ। अगर आप इस तरीके से ये पोटैटो चिप्स घर में बना लेते हैं, फिर बच्चे बाहर के सामान के लिए जिद नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही यमी होता है। बच्चों को बाहर का चिप्स कुरकुरे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा इसके सामने, उससे कई गुना ज़्यादा ये टेस्टी होता है और हेल्दी भी है। तो आप इसे घर में ही बना के दें। तो अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ एक पैन, और पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और ये ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो एक एक करके मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ सारे चिप्स को। और ये लीजिए यहाँ पे गैस का फ्लेम मैं मीडियम कर दी हूँ ताकि जले ना, और अब इसमें जितना आ सके उतना मैं ऐड कर दूंगी। और ये लीजिए एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है, तो मैं इसे थोड़ा सा पलट के अच्छे से फ्राई कर लूंगी, और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये जले भी नहीं और क्रिस्पी भी बन के रेडी हो। तो मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम कर रही हूँ, हाई फ्लेम पे इसे नहीं बनाई हूँ। तो अब ये हो गया है अच्छे से फ्राई, अब इसका मैं इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक छन्नी ले ली हूँ और सारे छन्नी से निकाल के मैं इसे साइड में रख दे रही हूँ, इसी पैन में ही साइड में कर दूंगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो बाहर आ जाए, और बाकी का जो भी कटा हुआ चिप्स है वो मैं इस पैन में ऐड कर दे रही हूँ और इसे भी डीप फ्राई कर लूँगी। और ये लीजिए काफ़ी क्रिस्पी काफ़ी यमी रेसिपी है, बच्चे हो या बड़े हो बहुत ही खुश होकर खाएंगे अगर आप इस तरीके से घर में पोटैटो चिप्स बनाते हैं। या फिर कोई भी गेस्ट आ जाए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आराम से आप बना के 5 मिनट में ये टेस्टी सा नाश्ता बना के रेडी कर सकते हैं।
या फिर खुद का ही खाना हो सुबह के चाय में या फिर शाम के चाय के लिए अगर कुछ ना हो तो आप ये बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और जब भी ट्राई कीजिए कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए।